गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस कि आप सब ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेस वॉश के बारे में। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू दैट। बट गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज जाके सब्सक्राइब करो एंड लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस। यहाँ पे लिखा है ग्लैम वेदा स्किन केयर राइस एंड सेरामाइड ग्लास स्किन फेस वॉश ब्राइटनिंग एंड विटालाइजिंग करके कुछ लिखा हुआ है। ड्राई, वेरी वेरी ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है गाइस। 100 ml का प्रोडक्ट है हमारा। पीछे आते हैं, अगेन इस पे लिखा है राइस एंड सेरामाइड फेस वॉश। बस 2 years की इसके में शेल्फ लाइफ मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है ना, यहाँ पे 250 rupees लिखा है, बट आई थिंक 170-180 का बहुत आराम से मिल गया, तो मैंने इसे अमेजोन से मंगाया। मैं डाल दूंगी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस ट्यूब जो है ना काफी अच्छी, यू नो क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत रबड़ काइंड ऑफ पैकेजिंग है, बट प्लास्टिक वाली पैकेजिंग इसकी नहीं है। ट्यूब में आता है, यू कैन सी काफ़ी टाइट है, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड गाइस आई मस्ट से पैकेजिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, जब लिखा है यहाँ पे राइस एंड सेरामाइड एंड फॉर ग्लास स्किन, सबका मन करेगा कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई फॉर वंस, है ना। तो गाइस जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे गाइस, राइस है, सेरामाइड है एंड एलोवेरा जेल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राइस हमारे स्किन के लिए कैसा होता है। पता है गाइस, कोरियन का जो स्किन केयर सीक्रेट है, मेनली हाईली वो लोग यू नो राइस ही अपने फेस में, उसका राइस का शीट मास्क हो गया, राइस का टोनर हो गया, वो लोग इनकी स्किन इतना खूबसूरत होती है, उससे उनका एक ही होता है कि हम लोग राइस अपने फेस में यूज करते हैं ना। गाइस जो राइस है यू नो हाइपर पिगमेंटेशन बहुत वर्क करता है, स्किन को ड्यूई एंड ग्लोई बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सन टैन हो गया है, सन डैमेज हो गया है, उस पर बहुत वर्क करता है। स्किन को ना बहुत टाइट अप बनाने में हेल्प करता है। आप देखेंगे ना, स्किन पे आपकी झुर्रियां आ गई है, स्किन बहुत ढीली ढीली लटकी लटकी लगती है ना, राइस उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। गाइस गाइस स्किन के पोर्स पे वर्क करता है, स्किन के ब्लेमिशेस पे वर्क करता है। गाइस तमाम किस्म की प्रॉब्लम है जो हमारा राइस है जो फेस पे यू नो वर्क करता है, और जेंटली यू नो फेस को यू नो एक्सफोलिएट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। गाइस नेक्स्ट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में क्या ही कहना, यू नो स्किन से मेन गाइस को यू नो स्किन को नरिश करने में बहुत हेल्पफुल माना जाता है। गाइस एलोवेरा के तमाम 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 बेनिफिट्स हमारी स्किन के लिए, है ना। गाइस गाइस नेक्स्ट है हमारा सेरामाइड। गाइस सबसे पहले गाइस, इसकी सेरामाइड के अंदर ना बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, सो गाइस स्किन को ना मॉइस्चराइज रखने में बहुत हेल्पफुल करता है। गाइस हमारा स्किन जो बैरियर है ना यू नो उसको बहुत यू नो प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। वेदर चेंज होते हैं, कभी स्किन ड्राई लगती है, कभी अजीब लगती फील होती है ना, कभी चिपचिप वाली फील होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। गाइस वेदर के टाइम पे सेरामाइड जो है हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल करता है, स्किन को खराब होने नहीं देता, और पॉल्यूशन में सेरामाइड बहुत हेल्पफुल होता है। वाटर जो लॉस हमारे स्किन का हो गया बहुत होता है, कि हम हमारे पानी ना पीने की वजह से, या फिर यू नो स्किन के अच्छे से केयर करने की ना वजह से स्किन ना बहुत डल डल से जाती है, तो उसको हमारे वाटर की वजह से स्किन पे जो चीज़ें हुई है ना उसके लिए बहुत यू नो काफ़ी हद तक स्किन को हेल्प करने की कोशिश करता है। आप इसे एक एंटी एजिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी गाइस जो ये मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके मैंने बेनिफिट्स आपको बताए, ठीक है। अब हम वो बात करते हैं कि जो इस पर इन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने सेम चीज़ कही हुई है कि यू नो स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्किन को इवन बनाएगा, स्किन को ग्लास स्किन हमें देगा, और हमारे मॉइस्चर को लाएगा या फिर हेयर को बना के रखेगा। उन्होंने कहा हुआ है बहुत लाइट वेट फेस वॉश है जो यू नो स्किन को प्रिवेंट करेगा और स्किन को ग्लोई और ब्लेमिशेस फ्री बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस फेस वॉश में इनके 3 अलग अलग वेरियंट है। एक तो है जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारा सेरामाइड वाला, गाइस एक इसमें पोटैटो वाला भी आता है और एक चिया सीड वाला आता है, तो जिसके जो आपको यू नो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आप देखिए मैंने कैसे यूज़ किया है, बताती हूँ आपको कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है इस फेस वॉश के साथ। हेलो गाइस, फेस वॉश को स्टार्ट करते हैं अपना। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ एंड गाइस सच में इतना अफोर्डेबल, ऑफ कोर्स फेस वॉशेस मिलते हैं, बट इतना अच्छा फेस वॉश मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो भी इतने बेनिफिट्स के साथ। गाइस इतना स्मूथ है, आपको पता है वॉश करने के बाद स्किन इतनी अच्छी, इतनी हेवनली फील होती है, इतना मज़ा आता है स्किन के ऊपर। आपने गाइस इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है, और जब वॉश करेंगे ना एटलीस्ट फेस को 1 मिनट तक अच्छे से मालिश दें, उसके बाद अपने फेस को वॉश करें। गाइस एक्चुअली स्किन बहुत स्मूथ, सॉफ्ट एंड सपल फील होती है। गाइस ट्रस्ट मी, यू शुड ट्राई वंस। थैंक यू, बाय। सो गाइस आपने देख लिया कि मैंने कैसे यूज़ किया है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे 3 से 5 दिन हुए इसको यूज़ करते करते, एंड आई एम लव विद दिस फेस वॉश यू गाइस।
ऐसी कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। कोई राइस है जो पेस्ट बना के हमें दे दिया गया है, ऐसी जल्दी फीलिंग है इसके साथ। इसमें उन्होंने कहा है कि ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन, बट आई रियली फील कि इसे आप किसी भी स्किन टोन के ना आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद ना इसमें बिल्कुल ऑयली नहीं दिखाता, स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज फील होती है, स्किन पर गाइस अजीब सी ड्यूइनेस एक फील होती है जो कि ना बहुत ज़्यादा खुद की स्किन ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसको यूज़ करने के बाद। फॉर मी इट्स वेरी गुड फेस वॉश गाइस, आप इसको एक मौका दे सकते हैं। या गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा है। एंड गाइस दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो एट ऑल। क्या हुआ? सो या गाइस ये था मेरा वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।